adding is static method. Now, what is the static method? Static method can be called directly without creating object within the सेम क्लास. ठीक है, एक ही क्लास में अगर मैंने स्टैटिक मेथड बनाया है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है. देखो कैसे, व्हेन वी वर डूइंग द डेफिनेशन ऑफ द मेथड तो हमने बताया था ना, एक्सेस मॉडिफायर स्टैटिक लगाते हैं या फिर नहीं लगाते. अगर स्टैटिक लगाते हैं तो क्या होता है और स्टैटिक नहीं लगाते तो क्या होता है. देखो, स्टैटिक मेथड इज ऑल्सो नोन एज क्लास मेथड. ये फर्स्ट पॉइंट मेंशन इन योर नोट्स, इट इज रिटन ओवर देयर, स्टैटिक मेथड्स. देन सेकंड, फर्स्ट स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट विद इन द सेम क्लास. ओके, सेकंड पॉइंट, स्टैटिक मेथड आल्सो नोन एज क्लास मेथड स्टैटिक मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड वेरी फर्स्ट ऑफ द प्रोग्राम. मीन्स जब जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो स्टैटिक मेथड गोइंग टू बी एग्जीक्यूट फर्स्ट. ठीक है, इंस्टेंस मेथड बाद में होता है. वेरी फर्स्ट देन दी इंस्टेंस मेथड. ठीक है, ओके. अब देखो, अगर मैंने यहां पर पब्लिक वॉइड एड ये बनाया, int a int b, okay, then here system dot out dot println addition is plus a plus b, okay. ये मैंने एडिशन कर दिया. नाउ द कॉलिंग ऑफ दिस मेथड. ठीक है, कॉल करो तो कॉल करने के लिए मुझे मेन मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. अब यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू मेक द ऑब्जेक्ट. व्हाई आई विल मेक द ऑब्जेक्ट, बिकॉज दिस पब्लिक वॉइड एड दिस इज द इंस्टेंस मेथड. ठीक है, ये इंस्टेंस मेथड है. जिस भी मेथड के आगे स्टैटिक कीवर्ड नहीं लगता वो इंस्टेंस मेथड होता है, विदाउट स्टैटिक. ठीक है, means non-static method is known as the instance method and static methods are known as the class method. Okay, so obj equals to new class name. Okay, now obj dot add then two integer parameters, that is only. ठीक हो गया, इसको हम कंपाइल करेंगे. कंपाइल एक्सपेक्टेड सेमीकोलन. ओके, ठीक. नाउ आई एम गोइंग टू मेक द स्टैटिक मेथड. ये कंट्रोल सी और ये यहां पे पब्लिक वॉइड सब्ट्रैक्शन बना देती हूँ. पब्लिक स्टैटिक वॉइड सब्ट्रैक्शन. ठीक है, अभी देखो क्या डिफरेंस हुआ. मैंने यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लगाया है, इट मींस ये मेथड मेरा कौन सा हो गया,
क्लास मेथड, ओके, और स्टैटिक मेथड, ओके, देन सब्ट्रैक्शन इज ए माइनस बी, ओके। अब इस मेथड की कॉलिंग करती हूं, देखो ये कॉलिंग किसकी थी, इंस्टेंस मेथड कॉलिंग, दिस इज द कॉलिंग ऑफ इंस्टेंस मेथड, ओके। अब मैंने क्या बोला कि जो मेथड स्टैटिक है उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करने की जरूरत नहीं है, तो कैसे कॉल करूं, सीधे सीधे नेम ऑफ द मेथड, जैसे कि मैंने किया सब और टू वैल्यूज 4.5, तो -1 शुड बी दिया आउटपुट, बस ये। अभी देखो कंपाइल, दिस इज द कॉलिंग ऑफ स्टैटिक मेथड, बस। ये देखो, वेट, नाउ एग्जीक्यूट, ये देखो void main भी आ रहा है यहां पे लिखा हुआ और void sub भी आ रहा है यहां पे लिखा हुआ, means void main भी मेरे static method था और void sub भी मेरे static method था, तो दोनों method मेरे static हैं, that's why यहां पे दोनों display हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ऐसा नहीं करके सीधे सीधे void main execute करती हूं, ये देखो void main execute हुआ, addition and subtraction, so what is the difference, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द इंस्टेंस मेथड एंड द स्टैटिक मेथड, देयर इज नो नीड टू मेक द ऑब्जेक्ट टू कॉल द स्टैटिक मेथड, वेयर एज इंस्टेंस मेथड कैन बी कॉल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ओनली। इतना समझ में आया डिफरेंस बिटवीन द, यू कैन राइट इट डाउन, डिफरेंस बिटवीन between static and non-static, non-static method, non-static method को बोलते हैं instance method, write it down, और static method को बोलते हैं class method, this is the important question, जॉब शीट का क्वेश्चन है ये, सो व्हाट इज द आंसर, स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, whereas instance method whereas instance method called by object, ठीक है, understood, within the same class, within the same class, understood everyone, this is the difference, my class name is static method and यहाँ पे मैंने public void add बनाया और public static void sub बनाया, okay, but I'm not making the main method here, ठीक, I'm doing cut, ठीक है, now compile the program, is there any error,
नो एरर, कोई एरर नहीं है, मैंने मेथड बनाया है, मेथड बन गए। आई डिडंट डू द कॉलिंग, कॉलिंग नहीं की है, कोई बात नहीं। अब मैं कॉलिंग अगर दूसरे क्लास में करना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे एक और क्लास बना लेती हूँ, कॉलिंग क्लास, ठीक है। इस कॉलिंग क्लास के अंदर मैं मेन मेथड बना लेती हूँ, आई एम मेकिंग द मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट क्या कहता है, किसी भी क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, डजंट मैटर वेयर यू वांट टू कॉल, इफ दैट मेथड इज डिक्लेयर्ड एज पब्लिक देन यू कैन कॉल दिस मेथड आउट ऑफ द क्लास। इट मींस जो मेरा एडिशन और सब्ट्रैक्शन मेथड है, वी हैव डिक्लेयर्ड दिस मेथड एज अ पब्लिक, सो वी कैन कॉल दिस मेथड्स इन एनी अदर क्लास ऑल्सो, राइट। बट हाउ आई विल कॉल, बाय मेकिंग द ऑब्जेक्ट। तो मैंने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाना चाहिए, जिस क्लास का मेथड मुझे कॉल करना है उस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। जैसे कि प्री डिफाइंड मेथड है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, दीज आर दी मेथड्स बिलोंग्स टू दी स्कैनर क्लास, है ना। तो हम मेथड, तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते हैं, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, स्कैनर SC। और किस क्लास में बनाते हैं, जिस क्लास में हमें नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करना होता है। Are you getting this example? तो same here. मुझे किस क्लास का मेथड ऑब्जेक्ट कॉल करना है, मुझे स्टैटिक मेथड की एक क्लास बनाई थी मैंने, उसमें एड नाम का एक ऑब्जेक्ट था और सब्ट्रैक्शन नाम का एक ऑब्जेक्ट था जो कि मुझे कॉल करना है। अब बिकॉज एड नाम का जो मेथड था, एड वॉज द मेथड डिक्लेयर्ड एज इंस्टेंस मेथड, सो वेन एवर आई वॉन्ट टू कॉल दैट इंस्टेंस मेथड आई नीड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट। So here I made the object of the static method obj means of that class, static method class का object बनाया मैंने दूसरे class में, and here I'm calling, same syntax, no changes, but wherever you want to call you can call, that is the reusability of the method। मैंने addition का एक method एक class में बना दिया, now in the 100 classes I'm going to call, doesn't matter, you can call, in the 1000 classes you can call। नेक्स्ट इंट मेथड को हम कितनी बार लिखते हैं, कितने बार कॉल करते हैं हर प्रोग्राम में, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट फ्लोट, ओके, मींस राइट वंस एंड रीयूज इट अगेन एंड अगेन, ओके, अंडरस्टूड। सो यहां पे मैंने बनाया obj.add, ओके। नाउ दी वी जस्ट मूव टू द स्टैटिक मेथड। अब स्टैटिक मेथड भी हम यहाँ पे कॉल करें, देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा ना obj.add, तो obj किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना, स्टैटिक मेथड। तो मेरा कंपाइलर क्या करेगा, स्टैटिक मेथड क्लास को सर्च करेगा, उस क्लास में से add मेथड को ले को कॉल करेगा और मुझे एग्जीक्यूशन करके दे देगा। अब बात करते हैं हम स्टैटिक मेथड की। अब ये स्टैटिक सब मेथड जो मैंने बनाया था, सब जो कि स्टैटिक मेथड था, वो भी इसी क्लास में बनाया था, मगर कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कि ये स्टैटिक मेथड कौन से क्लास में बनाया है। आई एम गेटिंग माय पॉइंट। सपोज मेरे पास 10th के चार सेक्शन है, चार सेक्शन में सेम नेम ऑफ द स्टूडेंट राम राम राम, ओके। अब मैंने अच्छा राम को बुलाया, राम कम हियर, तो कौन से सेक्शन वाले राम को मुझे बुलाना है असेंबली में, कैसे पता चलेगा। ओके, इफ आई एम स्पेसिफाइंग राम फ्रॉम 10th ए, तो दैट पर्सन विल कम, द चाइल्ड विल कम टू मी, समझ में आया। ओके, सेम ऐसे ही ये सब मेथड किस क्लास का है ये मुझे बताना पड़ेगा ना कंपाइलर को। सो हियर बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो हियर आई विल मेंशन द क्लास नेम, व्हाट आई विल मेंशन, क्लास नेम, बिकॉज दिस इज द क्लास मेथड, तो क्लास नेम डॉट सब, ऐसा मुझे करना पड़ेगा। अच्छा अगर मैं ऐसा नहीं करती हूं, ये देखो एक्स कंपाइल, सी मेथड सब इंट इंट कैन नॉट फाइंड द सिंबल, उसे मिला ही नहीं, क्योंकि वो इसी क्लास में ढूंढेगा ना, अगर हमने यहाँ पे क्लास नेम नहीं दिया तो,
ठीक है, तो इसका इस सब वाले मेथड का डेफिनेशन मैंने इस क्लास में नहीं दिया, ठीक है। इफ आई वांट टू गिव टू कॉल दिस मेथड, तो मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा क्लास का नेम। ये मैंने क्लास का नेम डाल दिया, स्टैटिक मेथड मेरी क्लास का नेम था। सी नो एरर, नाउ एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ये देखो कॉलिंग, अच्छा हाँ ये देखो, ये जादू दिखाती हूँ, ये देखो एरो। आई डिडंट मेक दिस एरो ऑटोमेटिकली, इट इज कमिंग। व्हाई? बिकॉज स्टैटिक मेथड क्लास के जो मैं फंक्शंस हैं वो मैंने कहाँ कॉल किए हैं, कॉलिंग क्लास के अंदर। दैट्स व्हाई दिस रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी शोन। ओके नाउ अब ये देखो मैंने चलाया वॉइड मेन, ये देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों चल गए। सी द रीयूजेबिलिटी, अंडरस्टूड। अच्छा इसका ओबीजे डॉट एड, जैसे कि हम स्कैनर का एससी डॉट नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट इंट लिखते हैं, ये वाला स्टैटिक मेथड मतलब कि क्लास का नेम लिख करके फिर मैंने लिखा। तो इफ यू रिमेम्बर, अगर मुझे पावर मेथड कॉल करना होता है पावर, तो मैं ऐसे नहीं करती 3 raised to 2, बस डायरेक्टली ऐसे नहीं करती। यहाँ पे क्या लिखना होता है, मैथ डॉट पावर। और जब जब भी मैंने मैथ क्लास तुम्हें सिखाई है, व्हाट आई टोल्ड यू कि मैथ इज द प्री डिफाइंड क्लास, मैंने ऐसा नहीं बोला मैथ इज द ऑब्जेक्ट, ऐसा कभी नहीं बोला। डू यू रिमेम्बर? मैथ इज दी क्लास, ठीक है। तो मैथ डॉट पाव इज द मेथड ऑफ द मैथ क्लास, हमेशा मैंने ऐसा बोला है। पर जब जब भी मैंने स्कैनर का कुछ भी कॉल किया है, तो आई डिडंट टेल यू कि एससी इज दी एससी डॉट नेक्स्ट इंट। जब हम लिखते हैं तो मैंने ऐसे तुम्हें कभी नहीं बताया कि एससी इज द क्लास नेम। हमने क्या बनाया, एससी को ऑब्जेक्ट ही बनाते थे हमेशा, स्कैनर एससी ऐसे करके इक्वल्स टू न्यू करके। इट मीन्स वॉट, एस सी इज दी ऑब्जेक्ट। तो नाउ कैन यू अंडरस्टैंड कि इसका मतलब सीधा सीधा क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? यस, इट मीन्स ये जो नेक्स्ट इंट मेथड है, नेक्स्ट इंट मेथड इज द इंस्टेंस टाइप ऑफ मेथड। मीन्स ये इंस्टेंस मेथड है, किस क्लास का? इंस्टेंस मेथड ऑफ स्कैनर। तभी तो हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना करके इसे कॉल करते हैं। ओके, वेयर एज दिस पाव मेथड इज क्लास मेथड, क्लास मेथड ऑफ मैथ क्लास। इसीलिए तो मैथ क्लास का नेम दे करके हम इसे कॉल करते हैं। आई क्या बात समझ में? मीन्स जो लाइब्रेरी है, जावा की लाइब्रेरी, जावा के लाइब्रेरी में ये जो नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फ्लोट, नेक्स्ट डबल, ये जो मेथड डिक्लेयर किए गए हैं वो एज द इंस्टेंस मेथड डिक्लेयर किए हैं। मीन्स विदाउट स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर किए हैं। तो जब मुझे उन्हें कॉल करना होता है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। पर ये जैसे कि मैथ डॉट एस क्यू आर टी, पावर मेथड, ये सब स्टैटिक लगा के बनाए गए हैं, है ना? तो मुझे उन्हें कॉल करने के लिए क्लास का नेम देना पड़ता है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द क्लास नेम, सॉरी क्लास मेथड एंड इंस्टेंस मेथड? ओके नाउ द सेकंड डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस ऑफ द स्टैटिक मेथड एंड द क्लास मेथड, राइट दिस सेकंड डिफरेंस। It was the first one. Now the second. Static method can be called with the class name. With the class name, whereas instance method called be by the object within the
ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द क्लास. अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन द कॉलिंग एंड दिस?